चलो नीचे उतरो बेटा। हम आ गए हैं डलेसिया। हानी खानी क्या लेने आए बताओ? बर्थडे केक है हानी, बताओ तो। बर्थडे केक लेने आए हम लोग। तुम्हें अच्छा लगा? चखने के लिए होता है, मतलब खट्टा बहुत लगा हुआ। ऐसे होते हैं वाले। हाँ और ये केक कितने प्यारे हैं, मगर ये आर्टिफिशियल है। आर्टिफिशियल है। हम आ गए। अच्छा अभी हम सब जगह केक की शॉप्स पे घूमे, जैसे कि हम पहले डिलेजिया गए। डिलेजिया पे हमने मालूम किया तो रेड वेलवेटी था और कैरेमल था, कैरेमल चॉकलेट था, ये सारी चीज़ें थी। तो हानी को जो है ना वो चॉकलेट केक इतने ज़्यादा ना अच्छे नहीं लगते, और हानी को वो भी नहीं अच्छा लगता रेड वेलवेटी। लास्ट ईयर हमने हानी का रेड वेलवेटी लिया था, बट मैंने कहा था अब हानी की पसंद से लेंगे, तो हमने कहा हानी आप हमें बताओ। तो उसको जो है ना वनीला कैरेमल जो है वो भी खा लेती है, लाइक करती है उसे, और पाइनएप्पल वाला भी लाइक करती है। उसको ना वो वाले इतने क्रीमी टेक्सचर वाले नहीं पसंद आते जिसमें चॉकलेट हो ज़्यादा। अच्छा यहाँ हमने ले लिया था वनीला कैरेमल केक ना, मैंने आपको बताया था कि हानी को क्रीमी ज़्यादा टेक्सचर वाले पसंद नहीं है, इसलिए हमने ले लिया था। यहाँ ये मुझसे कहेंगे आप क्या कर रही हैं, मैंने कहा ब्लॉग बना रही हूँ, तो कह रही हैं ब्लॉग अलाउ नहीं है। मैंने कहा क्या बात है यार, हर जगह जो ब्लॉग मना कर देते हैं, पता नहीं क्यों मना कर देते हैं। बट इन्होंने फिर मुझे इजाज़त दे दी थी, कहेंगे नहीं आप बना सकते हो ब्लॉग अपना ना, तो फिर मैं यहाँ ब्लॉग बना रही थी। अच्छा यहाँ हमने कहा ये तो प्लीज़ यहाँ से कैरेमल गायब, तो कहेंगे कोई बात नहीं मैं यहाँ कार्ड लगा देता हूँ, उन्होंने कार्ड लगा दिया। फिर मैंने कहा भैया आप कलरफुल से लिखिएगा कौन से, क्योंकि बच्चों को जो कलरफुल पसंद है, तो फिर वो कलर वाली कौन ढूंढने लगे थे। कहेंगे चलें ठीक है मैं कलर वाली कौन से लिख देता हूँ। और रात 12 बजे के वक्त मैंने कहा जल्दी कर दीजिए, 11:30 हो रहे थे, क्योंकि 12 बजे हमें हानी का केक कट करना था। रात 12 बजे डेट जो होती है वो चेंज हो जाती है, तो फिर हम हानी की बर्थडे जो है रात में, यानी रात 12 बजे केक काटते हैं, दूसरे दिन जो होता है हमें जहाँ आउटिंग करना होता है कुछ भी वो करते हैं। अच्छा यहाँ पे इनकी बेकरी भी थी, मैंने कहा चले आप लोग को दिखा भी दूँ। इनकी बेकरी में बहुत सारी चीज़ें रखी थी, सारी जो बेकरी आइटम होते हैं वो सब चीज़ें हैं, काफ़ी सारी चीज़ें थी यहाँ पे इनकी अरेंज हुई हुई थी, बहुत अच्छा यानी था। और केक तो जब हम खाएंगे तो पता चलेगा, वैसे तो मैंने इनका केक खाया हुआ है दूसरा, बट ये वाला नहीं खाया था। मैंने कहा जब ये वाला खाएंगे, जब ये वनीला कैरेमल वाला खाएंगे तो फिर आपको बताएंगे कैसा है। तो फिर बस हमने यहाँ से लिया था, और ये मुझसे कहेंगे आप यहाँ से कैंडल भी ले लो, तो मैंने कहा नहीं। फिर मैंने इनको मना कर दिया, मैंने कहा नहीं हमें कैंडल जो है वो हमारे पास है, हमें नहीं चाहिए। तो कहेंगे ये क्या बात हुई। अच्छा यहाँ जो थे ना वो हानी का नाम लिख रहे थे, उम्मे हानी ने, तो उन्होंने UMMU लिख दिया, UMMEE लिखना था। मैंने कहा आप इसी को सही कर दो, तो कहते नहीं नहीं मैडम मैं इसको थोड़ा सा यूँ कर देता हूँ। मैंने कहा हाँ आप इसी को कर दो कोई बात नहीं है, तो फिर कहेंगे मैं ई बना देता हूँ। मैंने कहा कोई ऐसा मसला नहीं है आप बना दो, तो कभी कभी ऐसा भी होता है। तो बस फिर इन्होंने यहाँ हानी का नाम लिखा। अच्छा कहने लगे कि कैंडल क्यों नहीं ले रही हैं आप ये बताएं, तो मैंने कहा भाई हम इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारे पास कैंडल रखी हुई। कहेंगे ये क्या, मैंने कहा पिछले साल की हमारी रखी। कहती है आप इतना संभाल के रखती हैं, मैंने कहा हाँ क्यों नहीं, किफ़ायत आ रहे हैं संभाल के रखते हैं हम हर चीज़ अपनी। तो यहाँ ये हानी का जो है ना नाम लिख रहे थे उम्मे हानी, तो स्पेलिंग पूछ रहे थे क्योंकि स्पेलिंग का गलती हो जाती ना, गलता कह रही थी गलती हो जाती है। तो बस फिर ये कहने लगे और मैं यहाँ क्या लिखूँ, हार्ड वर्ड बना दूँ। मैंने कहा नहीं भाई हार्ड नहीं बनाओ, 9 ईयर्स की माशाल्लाह हो गई है मेरी बेटी उम्मे हानी, तो मैंने कहा बस आप 9 लिख दो। तो इनके साथ में कोई एक्स्ट्रा फ्लावर, मैंने कहा बस ऐसे कुछ भी आप थोड़ा सा कर दो उसके ऊपर, तो वही हमारे लिए बेहतर है। तो देखिए इन्होंने इतना अच्छा सा इसको डिकोर करके हमें दे दिया था उम्मे हानी लिख के, और जो वो थोड़ा सा हटा हुआ था तो वहाँ उन्होंने इस तरह कार्ड लगा रखा। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों नहीं, कल काम आएगा भाई, कल काम आएगा ना, जैसे आज काम आ रहे हमारे, और क्या किफायत शायद भी होना चाहिए ना भाई। ये बात भी है, बट ये फ्रेश हो, इट्स टू फ्रेश, थोड़ी वही बात है। कितने का मुझे फॉरवर्ड करेंगे ना, ये आप अपना नंबर दे दो जी, बिल्कुल मैं फिर वीडियो आपको सेंड कर देंगे। फॉरवर्ड होना फिर भी कर। अच्छा यहाँ पे ये हमसे कह रहे थे कि आपके पास कोई कार्ड है, तो मैंने कहा कहेंगे कोई भी बैंक कार्ड है तो आप बैंक कार्ड दे दो, उस पर हम आपको ना 30% जो वो ऑफ देंगे। तो मैंने कहा चल अच्छा ठीक है, तो फिर हमने दिया था, 30% ऑफ पे मिला। तुम दोनों तो बाहर ही नहीं आए हो, ये लो पकड़ो केक। केक निकाल के यहाँ रख दें, प्लेटर ला के दूँ।
ये ले आई प्लेट। खाने जाए सब बहुत सो एक्साइटेड है और टाइम हो रहा है इस वक्त 12:15 हो रहे थे और 12 बजने वाले थे, तो मैंने कहा चलो बस 12 बजे से कट करेंगे। हानी जो थी वहाँ रूम में बैठी हुई थी, हमने कहा यहाँ से अच्छा सा डिकोर कर लेते हैं फिर हानी को बुलाते हैं। यहाँ हमने डैग जो था वो ओपन करके रखा हुआ था क्योंकि जैसे ही 12 बजेंगे तो हानी के लिए बर्थडे सॉन्ग लिखना था। और फिर बाहर ना आयशा और मोहम्मद ताहिर भी खेल रहे थे क्योंकि सैटरडे है तो वो देर तक खेलते। मैंने हानी से कहा, मैंने कहा हानी बाहर मोहम्मद ताहिर आयशा खेल रहे हैं उनको भी बुला लो, कहेंगे हाँ मम्मी। अच्छा यहाँ पे हमने हानी की केक को अच्छे से डेकोर कर लिया था और ये देखिए आप कितना प्यारा लग रहा है, हर चीज़ लगा दी थी हमने, कैंडल भी। बल्कि हम केक का जो है यूँ करेंगे ना शेप, क्योंकि वहाँ बैठेंगे हानी तो इसलिए हमें यहाँ करना है, ठीक है। ये वाला रख देते हैं, ये सही है। अच्छा यहाँ हम सेट कर रहे हैं हानी के लिए ना, तो हानी को थोड़ा सरप्राइज देना है अभी। चलो हिबा आप कुछ कहना चाहोगे आज? आयशा आप कुछ कहना चाहोगे? आपकी फ्रेंड की बर्थडे है, विश करोगे ना? है आयशा, हानी के पास जाओ, करीब जाओ आप भी। आयशा जो है हानी की फ्रेंड है और आप भी हो तो आप ही हैं, बाप भी हैं, बड़ी बहन और हानी है। चलो भाई चलो हैप्पी बर्थडे कहेंगे सब। हैप्पी बर्थडे टू यू। अरे हानी को तो खिला दो भाई, आप ही खिला दिया। वहां से स्पून ला के देती हूँ, फिर आयशा भी खिलाएगी ना हानी को। हानी कैसा लग रहा है आपको अपनी बर्थडे पे? हाँ, और अब तो हानी की फ्रेंड भी आई है ना भाई। हाँ आयशा, हानी का हैप्पी बर्थडे तो बोलो। हानी आप कितनी एज की हो गई हो? हिबा भी खिलाई है, बाप आप ही खिला दिया, खिला दिया, अब आयशा खिला गया। आयशा आप भी खिला दो हानी को। ये देखो भाई हानी की फ्रेंड आयशा, और अब हानी स्पून से लेके आयशा और हिबापी को खिलाओ। हिबापी तुम निकाल दो, आप ही आप निकाल दो, हिबा आप निकाल दो, आप खाओ पहले थोड़ा सा। हानी खिलाएगी पहले, हानी दो हानी को स्पून दो। यहाँ आप देख रहे हैं हिबा इतनी एक्साइटेड इसलिए हो रही है कि इन्होंने इन लोगों ने केक तो कट कर लिया बट है ना कैंडल को ब्लो ही नहीं किया, अब जाके किया इन्होंने, फिर याद आया तो इन्हें क्या कहेंगे? एपी रह गया, एच पता नहीं कहेंगे। चलें जी, चलो कट करते हैं बस। अब कट तो हो गया। हानी आपका सरप्राइज भी तो देना है, सरप्राइज गिफ्ट। हाँ ही बाप ही देंगी हानी को सरप्राइज गिफ्ट, आज हानी का आया है गिफ्ट। हानी क्या लोगी? हानी का इतना प्यारा गिफ्ट है जो हानी को, हानी का गिफ्ट है ये भाई, बर्थडे गिफ्ट। बेला हानी पकड़ लेगी। हानी हाँ, इसका नाम क्या रखा है बताओ भाई? बेला, बेला रखा है। वाह ये हानी का गिफ्ट है, दिखाना भाई क्या हुआ बेला? हमने इसका नाम क्या रखा है बताओ हानी? बेला, बेला रखा है। ये हानी का गिफ्ट है। बर्थडे गिफ्ट कैसा लगा हानी? अच्छा है। बोलो अच्छा। हमने आपका गिफ्ट जो है ना वो पैक नहीं किया है, तो आपका गिफ्ट आपको ये रहा भाई। बेला भी मिली और बेला भी मिल गई और ये भी मिल गया भाई। बेला इनका बेस्ट गिफ्ट था बर्थडे का। मुझे प्यारा लग गया, मैं ले जाती हूँ। कह रही है भाभी, कह रही है मैं ले जाती हूँ। चलो बस हाँ, क्या बनाते? अब रुक जाओ पहले अपने केक तो खिला दो फ्रेंड्स को। स्किपिंग चाहिए थी इनको। अच्छा हम लोग जो ये इनका जो बर्थडे का डे है ना वो रात 12 बजे, यानी आपको पता है डेट चेंज हो जाती है ना, तो फिर हम लोग हर साल इसी तरह से बनाते हैं। रात 12 बजे हम जैसे बर्थडे का केक काटते हैं
और मेन डे पे यानी जो 21 का मॉर्निंग का डे होता है तो उस पे फिर हम लोग केक नहीं काटते क्योंकि काट लिया था और हमने 12 बजे ही इसलिए। और फिर जब हमें कहीं जाना होता है आउटिंग पे कुछ होता है तो वो हम आउटिंग करते हैं। और आपको हमारा ब्लॉग कैसा लगता है? अगर अच्छा लगता है तो डू लाइक शेयर सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। और दुआओं में याद रखिए, मेरी बेटी को भी दुआओं में याद रखिएगा। और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय एंड टेक केयर।